वहीं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह एक धमाके की आवाज से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस धमाके में कोर्ट नंबर 102 का पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, वहीं इस ब्लास्ट की वजह से जमीन में गड्ढा हो गया, साथ ही ये एक तरह का क्रूड बम है। फिलहाल मौके से आईडी बरामद किया है और यहाँ पर कुछ एक टिफिन नुमा चीज भी मिली है, जिसकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। ये वही रोहिणी कोर्ट है जिसमें कुछ दिनों पहले ही एक शूटआउट हुआ था, जिसमें कुख्यात बदमाश मारा गया था, एक वकील की मौत हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल तब भी पैदा हुआ था, अफरा तफरी का माहौल आज भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। सवाल ये है कि आखिर रोहिणी कोर्ट में इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था में काफी ज्यादा नरमी बरती जा रही है, या फिर यहाँ पर चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? क्योंकि जिस समय यहाँ पर शूट आउट हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, जो भी यहाँ पर अधिवक्ता है, वकील है, जो भी आएगा उसे अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर दिखाना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज इस तरह की तस्वीरें रोहिणी कोर्ट से सामने आ गई है। रोहिणी कोर्ट में सुबह एक धमाके की आवाज से पूरा कोर्ट दहल उठा, आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे। इस धमाके में कोर्ट नंबर 102 का पुलिसकर्मी घायल हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पारुल मेरे साथ जुड़ गई हैं। पारुल, रोहिणी कोर्ट, अगर हम कहें कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था खराब है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर शूट आउट हुआ, आज आईडी मिला है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल काजोल, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है। रोहिणी कोर्ट में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, जिसका बार बार आप जिक्र भी कर रही थी, जानकारी भी दे रही थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रोहिणी कोर्ट में ही बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों घट जाती है। हालांकि देखिये, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हर किसी का आईडी प्रूफ चेक कर भी एंट्री दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से ये सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जाती है, और किस तरह से जब इतनी सुरक्षा कोर्ट में रखी जाती है तो वहां पर ये लोग किस तरह से पहुंच कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहां पर देखिए, लोग तो मौजूद थे, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां पर सुनवाई कोर्ट में चल रही थी वो किसी बहुत बड़े केस को लेकर नहीं चल रही थी, छोटे से केस को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर मौजूद ही थे, ये राहत वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पहले ये जानकारी मिल रही थी कि एक लैपटॉप बैग में एक धमाका हुआ है, हर किसी को लगा था कि कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं है, लेकिन उसके बाद जब एक के बाद एक जानकारियां मिली और उसके बाद वहां से आईडी भी बरामद किया गया, एक्सप्लोसिव भी बरामद किया गया, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि टिफिन नुमा चीज भी वहां से बरामद की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अब जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो एक पुलिसकर्मी घायल है उसको अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। बिल्कुल पारुल, देखिए आपने तमाम जानकारियां दी हैं, इसके साथ सवाल ये भी है कि क्रूड बम ये बताया जा रहा है, आखिर ये पहुंचा कैसे? आईडी बताया जा रहा है कि यहाँ से मिला है, आईडी यहाँ पर कैसे पहुंचे? इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत बड़ी ये साजिश भी हो सकती है, क्या ये आतंकी साजिश है? ऐसी कोई भी जानकारी पारुल आपके पास? देखिए काजल, अभी इस बारे में तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कोई आतंकी साजिश है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी बात है और हैरान करने वाली बात है कि इस तरह से एक आईडी एक कोर्ट में पहुंच जाता है और वहां पर धमाका कर दिया जाता है, एक्सप्लोसिव वहां पर पहुंच जाता है। उससे पहले भी इसी कोर्ट में कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, 1 से 2 महीने पहले की ही बात है कि जब गोली चला दी गई थी, 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं रोहिणी कोर्ट में देखी जाती है और इसी के बार बार जो है सुरक्षा की बात यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है कि आखिर जब इतनी सुरक्षा, अगर आमतौर पर देखें सिर्फ रोहिणी कोर्ट की बात नहीं है काजोल, कोई भी अगर एक कोर्ट होता है तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और कोई भी अगर बाहर वाला एंट्री लेता है वहां पर तो चेकिंग किस तरह से होती है ये हम सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं बार बार रोहिणी कोर्ट में हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सवाल जो है वो खड़ा करता है कि क्या रोहिणी कोर्ट में इस तरह की घटना करने के पीछे क्या किसी की बड़ी साजिश है? बिल्कुल पारुल, क्या दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई बयान सामने आया, बताया गया कि आखिर ये कैसे पहुंचा, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा वहां पर खंगाले जा रहे हैं, कुछ अपडेट ऐसा?
देखिए काजल, सीसीटीवी कैमरे जरूर खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अभी पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन वो लोग थे, कहाँ से आए थे, किस तरह से वहां पर पहुंचे, किस तरह से सामान वहां पर पहुंचा, अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रोहिणी कोर्ट का ही पूरा मामला है जहां पर आईडी मिला है, जिसके बाद माहौल जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण देखा जा रहा है। स्पेशल सेल दिल्ली की वहां पर पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी कैमराज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब सुरक्षा इतनी कड़ी है तो फिर कैसे वो टिफिन नुमा चीज वहां पर पहुंच गई है, आईडी वहां पर पहुंच गया है, पहले ये क्यों बताया जा रहा था कि ये लैपटॉप में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती रही, आखिर रोहिणी कोर्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फिर दहलाने की कोशिश है या सिर्फ डराने की कोशिश है या वाकई कोई आतंकी साजिश यहां पर थी जिसे नाकाम किया गया है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है। तमाम जानकारियां यही हैं कि दिल्ली की कोर्ट में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं है या फिर लापरवाही बरती जा रही है।